आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें, सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 14,24,204 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 48,661 नए मामले आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 705 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 32,658 हो गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 143 नए मामले सामने आए हैं, तो प्रदेश में रविवार को 143 और कोरोना संक्रमित मिले। इन्हें मिलाकर प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 6,104 हो गया। वहीं 71 संक्रमित मरीजों को इलाज के बाद घर भी भेजा गया है। अब तक 3,500 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार रविवार को आई जांच रिपोर्ट में 2,352 सैंपल निगेटिव मिले हैं। उधमसिंह नगर जिले में 51 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें 40 लोग संपर्क में आने से कोरोना की चपेट में आए हैं, जबकि 2 मुंबई, 1 बरेली और 8 संक्रमित फ्लू क्लिनिक में मिले हैं। देहरादून जिले में 46 संक्रमित मिले हैं। इनमें 21 संक्रमित संपर्क में आए हुए हैं और 25 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हरिद्वार जिले में मिले 26 संक्रमितों में 10 संपर्क में आए हुए हैं और 16 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उत्तरकाशी जिले में 6, नैनीताल जिले में 5, अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में 3-3, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी जिले में 1-1 संक्रमित मिला है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 6,104 हो गई है। वहीं 3,604 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 2,437 केस एक्टिव हैं। 63 लोगों की अब तक मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 1,437, नैनीताल में 931, टिहरी गढ़वाल में 497, हरिद्वार में 1,129, उधमसिंह नगर में 1,025, पौड़ी गढ़वाल में 199, अल्मोड़ा में 267, बागेश्वर में 98, चमोली में 83, पिथौरागढ़ में 105, रुद्रप्रयाग में 69, उत्तरकाशी में 168 और चंपावत में 96। तो टोटल मामले 6,104 हो गए हैं। कोरोना संक्रमित 14 लाख के पार, पीएम बोले खतरा अभी टला नहीं। तो देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा रविवार को 14 लाख के पार हो गया। लगातार दूसरी बार है कि 1 लाख मरीज होने में केवल 2 दिन लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अधिक सतर्कता बरतने होगी। ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना जैसे शुरुआत में घातक था, उसी तरह आज भी है। इसे खबर आई है, खुल सकते हैं सिनेमा हॉल और जिम पर स्कूल नहीं। तो केंद्र सरकार 1 अगस्त से होने वाले अनलॉक 3 में सिनेमा घरों और जिम खोलने की छूट दे सकती है। हालांकि मेट्रो और शिक्षण संस्थान पर अभी रोक जारी रह सकती है। गृह मंत्रालय में अनलॉक के तीसरे चरण में दिशा निर्देश को तय करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमाघर मालिकों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। इसमें 50% दर्शकों के साथ सिनेमा घर को खोलने की सिफारिश की गई है। हालांकि गृह मंत्रालय दर्शकों की संख्या 25% तक सीमित रखना चाहता है। इसके अलावा सामाजिक दूरी की शर्त के साथ जिम खोलने की अनुमति देने पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में हालात संभलने के बावजूद फिलहाल मेट्रो सेवा बहाल करने की इजाज़त देने के मूड में सरकार नहीं है। इसी प्रकार शिक्षण संस्थानों को फिलहाल बंद रखने पर पहले ही सहमति बन गई है। सुद्धोवाला जेल में 26 और कैदी संक्रमित मिले, हड़कंप। तो सुद्धोवाला जेल में 26 और कैदियों में कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं डीएम के आदेश पर महिला पॉलिटेक्निक को अस्थायी जेल बना दिया गया है। इसमें 100 कैदियों के रहने की व्यवस्था की गई है। तो जिला जेल में शुक्रवार को 1 कैदी में कोरोना की पुष्टि हुई थी, फिर शनिवार को 7 और कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई। अब रविवार को 26 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जेई मेन और एनडीए की परीक्षा तारीख नहीं टकराएगी। तो संघ लोक सेवा आयोग की एनडीए व एनए परीक्षा की परीक्षा और जेई मेन अब 6 सितंबर को एक साथ नहीं होगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर छात्रों को एनडीए और एनए परीक्षा में शामिल होने का मौका देने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई मेन के ऑनलाइन आवेदन पत्र की विंडो दोबारा खोल दी है। छात्र 31 जुलाई तक तारीख में सुधार कर सकते हैं। इसी के साथ खबर आई है, 29 जुलाई को आएगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट। तो इस साल उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 29 जुलाई को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जारी करेंगे। इससे पहले बोर्ड के सभापति और सचिव ही रिजल्ट जारी करते थे। तो 11 बजे सुबह 29 जुलाई को 11 बजे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। हजारों शिक्षकों को समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो प्रदेश में उच्च शिक्षा में संविदा कर्मचारियों और माध्यमिक में शिक्षकों के सामने वेतन की समस्या बनी हुई है। इससे शिक्षकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि यदि जल्द वेतन जारी न किया गया तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
इज्जत खबर आई है 2.71 करोड़ की लागत से डोईवाला कॉलेज में बनेगा महिला छात्रावास। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज करेंगे महिला छात्रावास का शिलान्यास। वही खबर आई है उत्तराखंड आए 4000 से अधिक प्रवासी बच्चे, तो 6 साल से बड़े बच्चों का हो रहा है सर्वे, अभी और बढ़ सकती है संख्या। वहीं खबर आई है ओबीसी आरक्षण क्रीमी लेयर सीमा बढ़ाने की उठाई मांग, तो अखिल भारतीय ओबीसी समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेज करके ओबीसी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को बहाल करने क्रीमी लेयर पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की उठाई है। इसी के साथ खबर आई है 6 जिलों में भारी बारिश की आशंका, तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों में 28 और 29 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 27 जुलाई को नैनीताल चंपावत और उधमसिंह नगर जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 28 और 29 जुलाई को पिथौरागढ़ बागेश्वर नैनीताल चंपावत और उधमसिंह नगर में बहुत भारी बारिश की आशंका बताई गई है। बुजुर्ग ने 6 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, तो टिहरी से खबर आई जहां पे भिलंगना ब्लॉक के एक गांव में 65 साल के एक व्यक्ति ने 6 साल के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया जा रहा है। पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। शनिवार को बच्ची घर में अकेली थी, उसके माता पिता खेतों में काम करने गए थे। इसी दौरान गांव के 65 साल के व्यक्ति ने बच्ची के साथ जबरदस्ती की। मां के घर पहुंचने पर बच्ची ने आपत्ति सुनाई। रविवार को पीड़िता की मां उसे लेकर के थाना पहुंची। पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी देने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हर ग्राम पंचायत में लगाएंगे 50 LED स्ट्रीट लाइट, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है। वहीं 50% दुर्गम की सेवा पर ही प्रमोशन होगा। इसी के साथ सर प्लस पद समाप्त न किए जाएं, तो शिक्षक संघ ने कहा है। तो राज्य के शिक्षक संघ ने सर प्लस शिक्षकों के पदों को समाप्त न करने की मांग की है। प्रदेश महामंत्री सुवन सिंह माजिला का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में भी LT कैडर के 2600 पद समाप्त किए गए थे। कई जिलों में छात्र संख्या इसलिए भी कम है क्योंकि शिक्षक नहीं है। अगर शिक्षक होंगे तो छात्र भी आएंगे, इसलिए जहां शिक्षकों के पदों की कमी है वहां इन पदों को शिफ्ट कर दिया जाए। मालूम हो कि सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग छात्र संख्या के आधार पर सर प्लस शिक्षक चिन्हित कर रहा है। गढ़वाल और कुमाऊं में मात्राकरण के दौरान 900 के करीब सर प्लस पद पाए गए हैं। तो कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं कारगिल विजय दिवस पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शहीद सैनिकों को भावपूर्व स्मरण किया है। खबर आई है सैंपल जांच बढ़ने के साथ दोगुनी रफ्तार से बढ़े कोरोना संक्रमित, तो एक सप्ताह में 1000 से अधिक संक्रमित। वहीं 223 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। तो प्रदेश में कोरोना काल के 19वें सप्ताह में संक्रमण की स्थिति चिंताजनक रही। सैंपल जांच बढ़ने के साथ ही संक्रमितों के मामले दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगे हैं। बेरोजगारी भत्ता नहीं स्वरोजगार युवाओं के लिए बेहतर, तो सीएम ने कहा है। तो सरकार को सलाह दी जाती है कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दें, लेकिन युवाओं को कुछ समय के लिए अंडे देने की इससे अच्छा है कि उन्हें स्वरोजगार के रूप में मुर्गी दी जाए ताकि उन्हें निरंतर अंडे मिलते रहें। यह बात रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड यंग थिंकर्स फोरम पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन व रिसर्च सोसाइटी की पहली यंग थिंकर्स वर्चुअल मीट के समापन सत्र में कही। वहीं खबर आई है 7 शिक्षण संस्थानों 12 दलालों पर केस, तो छात्रवृत्ति घोटाले में SIT ने छात्रवृत्ति घोटाले में शिकंजा और कड़ा कर दिया है। काशीपुर, जसपुर और नानकमत्ता के कुल 7 शिक्षण संस्थानों और 12 दलालों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बिल्केश्वर कॉलोनी में हाथी ने मचाया तांडव, तो खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के जंगल से सटी बिल्केश्वर कॉलोनी में एक हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की को संघर्ष का ऐलान, तो उधमसिंह नगर में भास्कर सम्मल को सर्वसम्मति से प्रधान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने कहा कि एक राज्य एक चुनाव, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने, पंचायती राज एक्ट लागू करवाने, जल
जीवन मिशन के ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाने, मनरेगा में सोशल ऑडिट संस्था से न कराने के लिए संघर्ष किया जाएगा। और खबर है लक्सर रुड़की से, जहाँ पे गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा भुरना, तो लक्सर के भुरना में रविवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गांव गूंज उठा। लोग मौके की ओर दौड़े तो पता चला कि फेसबुक पोस्ट की शिकायत से नाराज एक युवक ने करीब 25 साथियों के साथ मिल करके घेर में सो रहे शिकायतकर्ता के भाई पर तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक गोली सिर में लगने से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दो गोलियां उसके सिर को छू करके निकल गई। फायरिंग की आवाज़ सुनकर दौड़े उसके भाई पर भी हमलावरों ने गोलियां बरसाई, लेकिन वह बच निकला। दिन दहाड़े घटना को अंजाम देकर के हमलावर आराम से फरार हो गए। बात करते देहरादून की खबरों की, तो रेलवे स्टेशन से दिखेगा पहाड़ों की रानी मसूरी का नज़ारा। तो रेलवे बोर्ड ने स्टेशन के कायाकल्प का नाम RLDA MDDA को सौंपा है। वही खबर आई है 1899 में बना था दून का रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन का निर्माण अंग्रेजी हुकूमत के दौरान साल 1899 में किया गया था। अंग्रेजों की मंशा देहरादून से आगे मसूरी तक रेलवे लाइन बिछाने की थी। इसका सर्वे भी कर लिया गया था, लेकिन बाद में योजना धरातल पर नहीं उतर पाई। दून रेलवे स्टेशन देश के उन चुनिंदा रेलवे स्टेशनों में से एक है जिन्हें हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर जाना जाता है। उड़ीसा के वांछित को दून पुलिस ने दबोचा, तो दून निवासी आरोपी ने उड़ीसा में किया था कारोबारी का अपहरण। तो एक नामी कंस्ट्रक्शन कारोबारी के अपहरण के मामले में उड़ीसा पुलिस का वांछित दून पुलिस ने रायपुर के डोभाल वाला चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया है। बारिश में नाले से सटा पुस्ता टूटा, हादसा टला। तो राजधानी में शनिवार रात हुई बारिश के चलते सालावाला में नाले से सटा पुस्ता टूट गया, हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ। हरिद्वार में कपड़ा व्यापारी की मौत, डेंगू की आशंका बताई जा रही है। देहरादून से खबर है, जहां पे दो फौजियों समेत 46 को कोरोना संक्रमण हुआ है। वहीं विकास नगर में दिनकर बिहार कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। दून विश्वविद्यालय से खबर है, जहाँ पे अगस्त से पहले सप्ताह में होंगे एडमिशन, तो मेरिट के आधार पर होंगे ग्रेजुएशन, इंटीग्रेटेड पीजी व पीजी में दाखिले। दो दिन बाद आज फिर खुलेगा दून, तो दो दिन के लॉकडाउन के बाद सोमवार को दून फिर से खुल जाएगा। इसी तरह खबर है, चिड़ियाघर के लिए मांगे 7 लाख रुपए। तो कोरोना संकट के चलते वन्य जीवों और पक्षियों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। दून चिड़ियाघर के दर्शकों का प्रवेश बंद होने और आमदनी खत्म होने के चलते चिड़ियाघर प्रशासन के सामने बजट का संकट खड़ा हो गया है। भद्रराज देवता मंदिर 17 अगस्त तक बंद रहेगा। तो विकास नगर से खबर आई है, जहाँ पे श्री भद्रराज देवता मंदिर समिति ने कोरोना महामारी को देखते हुए भद्रराज देवता मंदिर की कपाट 17 अगस्त तक बंद रखने का फैसला लिया है। खबर आई रुद्रप्रयाग से, जहां पे जेई निकला कोरोना पॉजिटिव। रुद्रप्रयाग में लोक निर्माण विभाग दफ्तर 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन की अपील, ईद पर घरों में पढ़े नमाज। तो कोरोना काल में ईद उल अजहा यानी बकरीद को मनाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों की बैठक की। इसमें प्रशासन ने लोगों से अपने घरों में ही ईद का नमाज अदा करने की अपील की है। माता मूर्ति से मिलने पहुंचे नारायण भगवान। तो आज लीला डोंगी में होगा जलाभिषेक। तो बद्रीनाथ धाम में नर नारायण जयंती सादगी के साथ मनाई गई। भगवान नर नारायण की माता मूर्ति मंदिर में करीब 1 घंटे तक अभिषेक और अन्य पूजाएं हुई। सोमवार को लीला डूंगी नामक स्थान में भगवान नर नारायण की अभिषेक पूजा संपन्न होगी। श्रद्धालुओं को अब घर बैठे ही मिलेगा पंच बद्री प्रसाद। तो अब देश विदेश के श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम का पंच बद्री प्रसाद घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो चमोली प्रशासन ने बद्रीनाथ के पंच बद्री प्रसाद को ऑनलाइन विपणन की योजना बनाई है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मांग। तो प्रधान संगठन के चुनाव की उठी मांग, भास्कर सर्वसम्मति से चुने गए अध्यक्ष। ग्रामीणों ने खुद शुरू की स्कूल भवन की मरम्मत। तो खबर आई उत्तरकाशी से, जहां पे जर्जर हो चुका है GIC साल्ट का भवन, सालों से निर्माण कार्य लटका हुआ है।
भूस्खलन से यमुनोत्री हाईवे घंटों रहा बंद। तो बीती रोज की बारिश के कारण भूस्खलन से यमुनोत्री हाईवे सहित आधा दर्जन से अधिक मोटर मार्ग बाधित हो गए हैं। वहीं तोता घाटी में हाईवे बना खतरनाक, बोल्डर गिरने से कार क्षतिग्रस्त। तो खबर है देवप्रयाग से, जहां पर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर भल्ले गांव बागवान के समीप बोल्डर गिरने से एक कार क्षतिग्रस्त हो गया, उसमें सवार दो लोग बाल बाल बचे हैं। सीएम के बयान से भड़के तीर्थ पुरोहित। तो मुख्यमंत्री द्वारा चारधाम यात्रा का विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहितों को कांग्रेसी कहे जाने पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के पुरोहितों ने नाराजगी जताई है। इसी के साथ खबर आई है वन संरक्षण को आगे आया यूमन। तो एनआईटी परिसर में के निर्माण के लिए काटे गए 3000 पेड़। वहीं डांस प्रतियोगिता में 19वें स्थान पर रही वैष्णवी। तो खबर है गोपेश्वर से, बात कर लेते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीनियर असिस्टेंट सहित कई पद खाली हैं। तो राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड NBE में वैकेंसी निकली हुई, टोटल पद यहाँ पे 90 हैं। तो इसके लिए 31 अगस्त तक परीक्षा का आयोजन होगा। तो इसके लिए इसकी ऑफिशियल साइट दी गई है natbold.edu.in पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें फॉरेस्ट गार्ड से लेकर के मल्टी टास्किंग स्टाफ तक की वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें पदों की संख्या 20 है, एज 18 से 27 तक मांगी गई है। तो इसके लिए भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल साइट है icfre.org, इस पर जाकर के पूरी जानकारी देख सकते हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो टोटल 287 पद हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये भर्ती की जा रही है। तो इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ऑनलाइन की जो अंतिम तिथि है वो 30 जुलाई तक रखी गई है। वहीं हार्ड कॉपी भेजने की 24 अगस्त तक डेट रखी गई है। जूनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार, टोटल पद यहाँ पे 14 हैं। तो इसके लिए दिल्ली government.in की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो भेजा नहीं सीएम की चिंता, वाकई बहाने बनाकर घुस रहे हैं लोग। तो बीते शुक्रवार की रात दिल्ली से लौटे दीपक मित्तल ने बताया कि उन्होंने तहसील में एक दिन दिल्ली जाकर के वापस लौटने के लिए ऑनलाइन पास बनवाया था। रात को वापस लौटने पर नारसंग बॉर्डर स्थित संयुक्त जांच चौकी पर उनसे किसी ने अनुमति पत्र नहीं मांगा, केवल आधार कार्ड की डिटेल रजिस्टर के दर्ज करने के बाद जाने की अनुमति दे दी गई। इसी खबर आई है बिलवेस्तर कॉलोनी में हाथी ने मचाया तांडव। वहीं खबर आई रोशन दान के विवाद में ऑटो चालक की जान गई है। दिन दहाड़े गोलियों से तटरा से गुजा भुरना। तो रुड़की से खबर आई है उल्लू और दो मुंह वाले सांप के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तो खबर आई है हरिद्वार के रानीपुर से, जहां पे रानीपुर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने सलेमपुर में एक वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से उल्लू और दो मुंह वाला सांप बरामद हुआ है। संक्रमित के घर बैठक, 50 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो भीम आर्मी के 8 कार्यकर्ताओं समेत 9 नामजद जांच में शिकायत की पुष्टि होने पर शिकंजा कसा गया है। वहीं शहर के देहात तक लॉकडाउन का सन्नाटा। तो लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित 2 दिन के लॉकडाउन का दूसरे दिन रविवार को भी रुड़की तथा आसपास के क्षेत्रों में व्यापक असर रहा। खबर आई है खाद के मनमाने दाम वसूल रहे हैं व्यापारी। तो किसानों ने अधिक दाम वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। चार धाम के नाम पर बनेंगे 4 पार्क। तो खबर आई है रुड़की से, हरिद्वार पहुंची लालजी टंडन की अस्थियां। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे स्वर्गीय लालजी टंडन की अस्थियां गंगा में विसर्जन करने के लिए हरिद्वार पहुँच गई है। तो आज सुबह 10 बजे हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड में विसर्जन किया जाएगा। इस जन्म में ना सही उस जन्म में मिलेंगे। तो मंगेतर की मौत से आहत युवक ने भावुक सुसाइड नोट छोड़ नहर में लगाई छलांग। तो मंगेतर की असमय मौत से आहत एक युवक ने पूर्वी गंग नहर में कूद करके जान दे दी। इससे पहले लिखे सुसाइड नोट में युवक ने अगले जन्म में मंगेतर के संग दाम्पत्य सूत्र के बंधने की बात कहते हुए अपनी मां के नाम भी भावुक संदेश लिखा। सूचना पर पहुंची श्यामपुर पुलिस ने पूर्वी गंग नहर में युवक का शव निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
व्यापारियों और ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ केस तो शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को हुआ था। दो पक्षों में विवाद। बर्थडे पार्टी मना रही युवती समेत 8 लोग पकड़े गए हैं। तो खबर है कनखल से। कनखल क्षेत्र में एक कॉलोनी में जिस्म फरोशी की सूचना पर जगजीतपुर पुलिस ने एक घर में छापा मारा। पुलिस के छापे में जिस्म फरोशी की बात तो सामने नहीं आई, लेकिन 7 युवक और एक युवती बर्थडे पार्टी मनाते हुए मिले। पुलिस के पूछताछ करने पर युवती पुलिसकर्मियों से उलझ गई। जैसे तैसे सभी को जगजीतपुर पुलिस चौकी लाया गया। और वहीं खबर आई है फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने का आरोप लगाया है। तो भगवानपुर से खबर आई, जहां पे क्षेत्र के ग्रामीण ने पुलिस को तहरीर देकर के एक व्यक्ति पर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने का आरोप लगाया है। दीवार गिरी दबकर बच्चे की मौत हो गई है। तो रुड़की से खबर आई है। हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की बात करें तो खबर आई है लक्ष्मण नहीं कोविड सेंटर जाएंगे मरीज। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में एसिम्प्टोमेटिक मरीजों यानी बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज को अब भर्ती नहीं किया जाएगा। टिकट कालाबाजारी में रेलवे कर्मी का मददगार गिरफ्तार हुआ है। तो रेलवे कर्मचारी के साथ मिलकर कर रहा था आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी। तो खबर आई है हल्द्वानी काठगोदाम से। इसी खबर आई है पर्यटन हब के रूप में विकसित होगा कोसी कॉरिडोर। पाखरों में बनेगी झील, होगी बोटिंग तो रामगंगा नदी की तर्ज पर बनेगी झील। बाजार में सुनसान और सड़कों पर छाई वीरानी, तो लॉकडाउन का असर हल्द्वानी में भी देखने को मिला। कारगिल शौर्य दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वही खबर आई है LIC दफ्तर भी कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। तो कोरोना संक्रमित मामले आने पर फैसला लिया गया है, 5 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और खबर आई है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन आज होंगे सेवानिवृत्त। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथ आज सोमवार को सेवानिवृत्त होंगे। उनके सेवानिवृत्त में हाईकोर्ट बार में सदस्य 5:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विदाई देंगे। और वहीं वरिष्ठ न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमत संभालेंगे दायित्व। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन के 27 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का दायित्व हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत संभालेंगे। तो आपको बता दें कि इसी की वजह से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला भी अटका हुआ था। 15 जुलाई से सुनवाई नहीं हो पा रही थी। अभ्यर्थियों का यहाँ पे पूछना था कि आखिर ये सुनवाई आगे क्यों नहीं हो रही है, तो इसी वजह से ये नहीं हो पा रही थी। अब जो है यहाँ पर हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अब जब नया पद संभालेंगे तब यहाँ पर फिर से एक बार उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सुनवाई होगी। वहीं खबर आई है लॉकडाउन में मवेशी बाजार में भी छाई मंदी। तो ईद के महज 4 दिन बाकी हैं, फिर भी खरीद फरोख नहीं हो रही है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो एक हफ्ते के भीतर नेपाली अफसरों के संग होगी बैठक। तो कामयाब रही संवाद नीति, तो सकारात्मक हुआ नेपाल का रवैया। तो भारत नेपाल सीमा में टनकपुर से लगे नो मैसलैंड क्षेत्र में नेपाल की ओर से हुए अतिक्रमण को लेकर के भारत के प्रयास का असर दिखाई देने लगा है। वहीं खबर आई है बालिका निकेतन से लापता किशोरी के साथ दुष्कर्म। तो बालिका निकेतन से लापता नाबालिग से दुष्कर्म हुआ है। रविवार को पुलिस को मिली नाबालिग ने आपत्ति बताई, तो दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया। नेहरू कॉलोनी थाना प्रभारी दिलबर सिंह नेगी ने बताया कि केदारपुरम स्थित बालिका निकेतन के अधीक्षक बीना डबराल ने शुक्रवार को निकेतन से एक बालिका के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी। तलाश के दौरान रविवार को बालिका दून रेलवे स्टेशन पर मिल गई। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपनी मर्जी से निकेतन से आई थी और दिल्ली में अपने माता पिता के पास जाना चाहती थी। पैसे न होने से वह छुपी रही। बालिका ने बताया कि 24 जुलाई की रात हर्रावाला रेलवे स्टेशन के पास एक लड़के ने उससे दुष्कर्म किया। नेगी ने बताया कि बयान के आधार पर दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इससे खबर आई, राशन कार्ड को 31 तक कराएं आधार से लिंक। राशन कार्ड उपभोक्ता को 31 जुलाई तक सदस्यों के नाम आधार से लिंक कराने होंगे। ऐसा न करने पर सरकारी राशन से वंचित होना पड़ेगा। शासन के आदेश के बाद राशन डीलर रजिस्टर में नाम दर्ज करने के बजाय ऑनलाइन राशन वितरण करेंगे। फर्रे
के साथ मंदिर की परिक्रमा होगी तो देवी धुरा में बग्वाल के दिन बंद रहेगा बाजार। तो कोरोना महामारी की खतरे के मद्देनजर माँ बराही धाम देवी धुरा में पहली बार लोग बग्वाल नहीं होगा। रक्षाबंधन के दिन 3 अगस्त को बग्वाल की रस्म निभाई जाएगी। वहीं बग्वाल वाले दिन देवी धुरा का बाजार भी नहीं खुलेगा। इस बार नंदा महोत्सव में भी रहेगा सन्नाटा। और खबर है खाना बदोशी सी हो गई है आपदा प्रभावित परिवारों की जिंदगी। तो रात के समय जंगलों में लगाए गए प्लास्टिक के टेंटों में शरण ले रहे हैं। बारिश के बनिया गांव की में भी खतरा पैदा हो गया है। तो मुनचारी के आपदा प्रभावित टांगा लोधी थापा और जोसा गांवों के लोगों की जिंदगी खाना बदोश जैसी हो गई है। इसी के साथ खबर आई है उमरगढ़ा गाँव में कटान कर रही है गोरी नदी। कारगिल विजय दिवस पर शहादत को याद कर आंखें नम हुई हैं। वही खबर है मुनसारी से जहां पे मुनसारी में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। मांगों को लेकर के 7 अगस्त को फिर से प्रदर्शन करेंगी। इस खबर आई है ज्योति समूह की राखियां बनी चीन की राखियों का विकल्प। तो राखी का काउंटडाउन शुरू हो गया है, बस 7 दिन दूर हुए। तो 3 अगस्त को राखी का पर्व है, इसलिए बाजार में चीन की राखियां गायब हैं। पंडा में बन रहे हैं N95 मास्क। तो खबर है पिथौरागढ़ के कनाली छिन्ना से, जहां पर 20 से 80 रुपए में N95 मास्क बनकर के तैयार हो रहे हैं। और खबर है चीनी स्कैनर की जगह फोटो स्टेट। तो मोबाइल ऐप के बाजार में भी आत्मनिर्भर बनने लगा है भारत। युवाओं ने बनाया एप्लीकेशन। तो टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर देश के प्रतिबंध लगाने के बाद प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से ऐप डेवलपिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की अपील की है। इसे प्रेरित होकर के 2 युवाओं ने फोटो स्टेट ऐप बनाया है। इस ऐप के जरिए किसी भी पेपर की फ़ोटो खींच करके आप इसे PDF में बदल सकते हैं। पूरी तरह भारत से निर्मित यह ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में चलता है। पिथौरागढ़ में 20 सड़कें अभी भी बंद हैं। वहीं चंपावत में बंद हैं 3 सड़कें। खबर आई है मजबूत होगी स्वरोजगार के प्रशिक्षण की बुनियाद। तो SBI RCT के भवन के लिए रिलीज हुई 1.41 करोड़। एक साथ प्रशिक्षण ले सकेंगे 72 युवा। वहीं खबर आई है टनकपुर चंपावत से, जहां पे 48 लोगों का एंटीबॉडी टेस्ट सभी का रिपोर्ट निगेटिव आया है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो चिंता की बात, जिले में 79 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो सितारगंज में कोरोना संक्रमितों में एक आशा कार्यकर्ता से 41 लोगों में कोरोना फैला है। वहीं सितारगंज से खबर है, जहां पे वार्ड में 5 में 2 दिनों में 73 संक्रमित मिले हैं। तो हर रविवार को 41 केस सामने आए। 2 दिन पूर्व इसी मोहल्ले में 32 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं पुलिस कर्मियों के भी सैंपल लिए गए हैं। पंतनगर थाने में 2 कांस्टेबल समेत 4 पुलिसकर्मी संक्रमित मिले हैं। थाना को बंद कर दिया गया है। इसी के साथ खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे तलवार से मंदिर समिति के महामंत्री की अंगुलियां काटी गई हैं। मां का सिर भी फोड़ा गया है। तो शिव मंदिर 84 घंटा में नशे की हालत में घुस करके अश्लील हरकत कर रहे और हुड़दंग मचा रहे युवक को टोकना मंदिर समिति के महामंत्री को महंगा पड़ गया। युवक अपने भाई और 4 अन्य युवाओं के साथ उनके घर में घुस गया। आरोप है कि युवा ने महामंत्री पर तलवार से जानलेवा हमला कर बाएं हाथ की उंगलियां काट दी और बीच बचाव में उसकी आई माँ का भी सर फोड़ दिया है। खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे प्रसूता की संदिग्ध हालत में मौत। ससुरालियों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। रेलवे की आय बढ़ाने में मदद करेंगी काशीपुर के उद्योग। बाजारों में सख्त तो बॉर्डरों पर सुस्त दिखे पुलिसकर्मी। तो लॉकडाउन के दूसरे दिन बाजारों में सख्ती रही और जरूरी सामानों की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की दुकानें बंद रहीं। खबर आई है खटीमा से, जहाँ पे मारपीट में पिता पुत्र सहित कई पर केस दर्ज किया गया है। वहीं खबर आई है KBC में लॉटरी के नाम पर सक्रिय हुए साइबर ठग। तो इनाम का लालच देकर के कर रहे हैं कॉल और में।